सेवा में दीपक कुमार पढ़िए आप। महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद बिहारी सिंह वर्तमान में समयगढ़ ओपी में पदस्थापित हूँ। आज दिनांक 28/10/22 को समय करीब 8:15 बजे महाल चौकीदार 12/7 रामबालक पासवान एवं जिला बल के सिपाही 3607 मिथिलेश कुमार सिपाही 4178 अरशद अयूब अंसारी के साथ बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 के अंतर्गत धारा 107 दंड संहिता का अनुमंडल पदाधिकारी बाढ़ के न्यायालय से निर्गत गिरफ्तारी वारंट के अभियुक्त छोटू कुमार उम्र 40 वर्ष पिता सुरेंद्र सिंह साकिन सामियागढ़ थाना घोसवारी सामियागढ़ ओपी जिला पटना के घर गए थे। वहां उपस्थित स्थानीय ग्रामीण दीपक सिंह उम्र 45 वर्ष संतोष सिंह उम्र 40 वर्ष दोनों पिता राम प्रवेश सिंह हर्ष कुमार सिंह सूरज सिंह उम्र 24 वर्ष दोनों पिता मोती सिंह छोटू कुमार उम्र 40 वर्ष पिता सुरेंद्र सिंह सभी साकिनान सामियागढ़ थाना घोसवारी सामियागढ़ की जिला पटना एक राय होकर मेरे साथ गाली गलौज करते हुए लप्पड़ थप्पड़ एवं फैट मुक्का से मारपीट करते हुए दीपक कुमार एवं संतोष कुमार दोनों पिता राम प्रवेश सिंह जान मारने की नीयत से मेरा गला दबाने लगा जिससे कुछ देर के लिए मेरा सांस रुक गया। तब साथ के बल के सहयोग से मुझे बचाया गया तो हम लोग अपना जान बचाकर वापस ओपी आए तो उप सभी लोग एवं उनके सहयोगी में चिक्कू सिंह और संजीव कुमार पिता स्वर्गीय कृष्ण बिहारी सिंह अजीत कुमार सिंह पिता मुनेश्वर प्रसाद सिंह बाल गोविंद सिंह पिता विपिन कुमार सिंह मनीष कुमार पिता कमलेश कुमार और शिशु सिंह सभी साकिनान सामियागढ़ सोनू सिंह पिता स्वर्गीय साचो सिंह और सचिनान सिंह साकिन सिरसी अभी थाना घोसवारी सामियागढ़ ओपी जिला पटना एवं स्थानीय एक ही जाति के 30-35 अज्ञात देखिए जरा क्या भाषा है आपके इन्फॉर्मेंट का अज्ञात स्थानीय एक ही जाति के हम लोगों को पीछा करते हुए ओपी आए और गाली गलौज एवं रंगदारी करते हुए अभद्र व्यवहार किए। उक्त लोगों को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन बल कल कम रहने के कारण उक्त सभी व्यक्ति धमकी देते हुए भाग गए जिनको ओपी में लगे सीसीटीवी फुटेज एवं स्थानीय लोग एवं चौकीदार के माध्यम से पहचान किया गया। ठीक है तो इसका मतलब ये हो गया आपके एफआईआर से ही कि पुलिस स्टेशन में कोई घटना नहीं घटी। फिर से पढ़ लीजिए सर। हम लोगों को पीछा करते हुए ओपी आए और गाली गलौज एवं रंगदारी करते हुए अभद्र व्यवहार किए। ठीक है ओपी पड़ी तो घटित हुई सर। अभद्र व्यवहार किए कोई वहां पर कोई लाठी चलाने की बात वो तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा ना। अभी प्राइम ऑफिसर एफआईआर पढ़ रहे हैं। आई एम नॉट मेकिंग एनी ओपिनियन ऑन इट। अभद्र व्यवहार तो ऐसा भाषा है कि जो कहीं भी कुछ थोड़ा बोल दिया तो कह सकते हैं कि साहब बड़ा अभद्र तरीके से बोल रहा है। तो गांव में अगर गांव की भाषा में अगर आप बात करें तो बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको अभद्र लगेगा लेकिन वहां पर कोई भी ओपी पर मारपीट की बात नहीं हो रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। कहीं ये नहीं हो रही कि कोई व्यक्ति लाठी के साथ लैस थे। कोई रुक जाइए जरा सा सुन लीजिए पहले एफआईआर के सामने वो बाद में बात सर। ये जो चीज है एफआईआर में क्या कर रहे हैं किसी के हाथ में न कोई लाठी है सर न कोई हथियार है सर न कोई लाठी चला रहा है सर। ठीक है ये कहते हैं कि भाग गए वो लोग तो आपका कम बल रहने के कारण भी आप पकड़ नहीं सके लेकिन फिर भी वो लोग भाग गए वहां से सर। ठीक है ना सर। और इसकी भाषा जरा देखा है आपने स्थानीय एक ही जाति के क्या जरूरत थी ये लिखने की। ये सर ये मिस्टेक है सर। मिस्टेक नहीं है नहीं लिखा जाना चाहिए मिस्टेक नहीं है ये। दैट शोज द बेंड ऑफ माइंड ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग द एफआईआर। दैट शोज द बेंड ऑफ माइंड उसका दिमागी हालात क्या था और किन हालात में वो ये एफआईआर लॉन्च कर रहा था। अब जरा सा मुझे ये बताइए कि 8:15 की ये घटना है सुबह की आपके मोबाइल पर कोई इंफॉर्मेशन है इसके रिस्पेक्ट में। कॉल आया था सर। कॉल आया था
कॉल आया था सर? कितने बजे कॉल आया था? जी याद नहीं है सर, सुबह ही कॉल आया था। याद नहीं है ना? कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं है? नहीं सर। कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं है? नहीं सर, कॉल आया, नॉर्मल कॉल आया था सर। कोई मेल नहीं है? नहीं सर, मेल नहीं। ठीक है, तो अब आप ये बताइए एसपी साहब कि जब इतनी बड़ी घटना आप इसको मान रहे हैं सर, मैंने जिसके लिए रात को 1 बजे घर में घुसना हो किसी के, तो क्या पुलिस फोर्स भेजने के पहले आपको ये राइटिंग में कुछ पोजीशन भी नहीं मांगेंगे, क्या हुआ क्या हुआ नहीं हुआ? सबमिशन है सर। हाँ सर, मैंने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ी घटना थी, मैंने कहा सर ये छोटी घटना नहीं थी, थाने पर अटैक हुआ था सर, बहुत बड़ी घटना मैंने वर्ड यूज़। थाने पर कहाँ अटैक? आप दिखा रहे हैं कि थाने पर अटैक हुआ था, आपका FIR तो नहीं कर रहा है कि थाने पर अटैक हुआ था? सर FIR में OP आए और वहाँ पे व्यवहार किया, और जो फुटेज है सर वो थाने पर अटैक इसी को कहते हैं क्या? आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं, थाने पर अटैक इसी को कहते हैं क्या? ये आप वर्ड्स इसमें कहां से डालेंगे सर? ये इसमें जो चीज नहीं लिखा हुआ है उसको कैसे आप कहेंगे कि थाने पर अटैक किया? जो कंप्लेनेंट है सर वो ASI है, सिपाही से प्रमोटर के अफसर बने हैं सर। तो और जो उनको समझ में आया सर, उस समय ये उस समय ड्राफ्ट मैंने देख के नहीं कराया, ठीक है, आवेदन दिया सर। ठीक है, मान लिया आपके यहाँ सब सिपाही से ही प्रमोट होकर के आते हैं सर, ये आपका काम है, उसमें आप जानिए क्या करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने नहीं लिखा है कि थाने पर अटैक हुआ सर, तो आप जबरदस्ती बना देंगे क्या कि थाने पर अटैक हुआ? ये लिख रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं सर, हम लोगों को पीछा करते हुए OP पर आए और गाली गलौज रंगदारी करते हुए अभद्र व्यवहार किए सर। अटैक का मतलब क्या होता है? ये घटना जो है एक ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा घटना हुआ गाँव में सर, और उसके बाद लोग पीछे से आए और ऐसे हमारे साथ गाली गलौज किए और फिर वो लोग भाग भी गए, तो इसकी सत्यता तो जांच होगी बाद में। yes, sir. लेकिन अटैक हुआ थाना पर, ये कैसे आप अटैक ऐसे ही होता है क्या? सर वर्ड यूज नहीं है इसमें। तब सर तो क्यों आप रीड करने लगते हैं जो चीज वर्ड नहीं है? और दूसरा, आपको कोई सूचना नहीं है राइटिंग में? आपको इसके विषय में कोई सूचना नहीं है? FIR क्यों नहीं हुआ उस समय? सर मैंने CI जो हाथीदा गए थे सर, हाँ तो भेजा गया था, हाँ कि वहाँ पे चूंकि सब इंस्पेक्टर का OP चार्ज सब इंस्पेक्टर है सर, हाँ तो एज ए लेयर की भाई एक बार जाकर। आपके पास कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट है SP साहब इस घटना के बारे में? सर मैं रिवर्ट बैक करूंगा, मुझे पूछना, मेरे पास नहीं है। आपके पास, आपके पास नहीं है, अब आप रिवर्ट बैक क्या करेंगे? आज भी आपके काउंटर एफिडेविट में कहीं कुछ नहीं है सर। है मिस्टर दीपक कुमार? नहीं, हम लोग कह दिए हैं कि अब इसको जो तक था कि इसको CID को जो पूछे नहीं, CID को तो ठीक है, CID तो आप एग्री कर गए हैं, उसको हम भेज दे रहे हैं, इसलिए अब मेरिट पे हो जो इंस्ट्रक्शन है वो मेरिट पे कुछ नहीं। हम इनको जरा ये पूछ रहे हैं कि इस तरह का कंडक्ट पुलिस ने क्यों किया? अगर मान लीजिए ठीक है, आप कहते हैं कि बड़ी घटना नहीं, छोटी घटना नहीं थी, ये लोग गए थे, तो आपकी ये जिम्मेवारी थी कि नहीं वहाँ आप सिविल सोसाइटी के साथ बैठ करके इसको आप निपटाते? सर जो वन ऑफ दी इसमें जो एक्यूज्ड है वो सरपंच के पति हैं सर। मुझे मतलब नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, न मैं जानना चाहता हूँ कौन किसके पति हैं। नहीं सर, सर इसमें सर जो वहाँ की सिचुएशन जो SCI साहब ने SHO साहब ने बताई थी कि गाँव में काफी टेंशन है और थाने पर इस तरह से उन्होंने किया था सर, तो फिर FIR दर्ज होके गांव में टेंशन हुआ है, अगर ऐसा रिपोर्ट था आपको सर, तो आप वहां डिप्यूट करते ना, एक सिविल सोसाइटी की मीटिंग करते। आपने इतना मतलब योर एक्शन इज नॉट एट ऑल कॉमेंसुरेट टू व्हाट वाज रिक्वायर्ड बाय यू। SDM साहब ने गलत ऑर्डर किया, एक गलत स्रोत ही पैदा हुआ और वहां से लेकर के आपने उसको इतनी बड़ी घटना में परिणति दे दी इसकी। यस बोलिए, CID को भेज देते हैं इसको। जी अमेलर्ट्स, वी हैव मेड हिम पार्टी बाय नेम फॉर द रीजन्स अमेलर्ट mentioned in paragraph 24 of my writ petition. It was he who had instructed your lordship ki 30-35 had been armed all here. Or lords, this has been said by the informant to somebody. We had got that audio recording. I sir deny this sir. I deny sir. इस तरह हम लोग कभी नहीं बोलते हैं सर। जो घटना होती है अगर तरह आपने क्या किया है ये दिख रहा है मुझे। आपने जो भी किया है वो दिख रहा है।
कि आपने एसडीएम ने कानून को अलग रख करके समन एंड वारंट कर दिया, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिया, आपके पुलिस ऑफिसर ने जाति के नाम पर जो है एफआईआर कर दिया लिख करके, और आपने उसे पुलिस मुहैया कराया रात को 1 बजे घर में घुस करके लोगों को अरेस्ट करने के लिए। सर वो लोकली वही स्टेशन थे सर, मैंने कहीं से नहीं भेजा था सर, वो एसएचओ ने रिक्विजिशन करके रेड कराई थी सर। रिक्विजिशन हुआ था ना, लाइन से नहीं भेजा था सर। ठीक है, रिक्विजिशन हुआ था ना, बुलाया था एसएचओ ने सर उनको, बुलाया था एसएचओ ने, बुलाया था सर। अब वो एसएचओ ने बिना आपसे परमिशन का बुलाया था सर, रेड के बाद में इंटीमेट किया, हमने कहा था कि सर इसमें एफआईआर करिए। एक मिनट, रेड के बाद इंटीमेट किया आपको? उसके पहले सर जब ये, इसका मतलब है कि रेड करने के पहले आपसे आपसे कोई बात नहीं हुई? नहीं सर, दिन की बात है सर, मैं सबमिट करना चाहूंगा। हाँ। दिन की बात है जब सीआई साहब ने बताया कि हाँ सर घटना सही है, तो हमने यही कहा कि ठीक है इस पे एफआईआर दर्ज कराइए, जो फर्दर नेसेसरी एक्शन है इसमें किया जाएगा। ठीक है सर, ये बात हुई थी। हमने सर पार्टिकुलरली बीएसएफ को बुलाना या लाइन से फोर्स देना या इतने बजे जाके रेड करो जैसा सर हमको कह रहे हैं सर, ऐसा हम, का मतलब है कि रेड की कार्रवाई के लिए आपने नहीं दिया था ना? नहीं, मैंने परमिशन दिया है सर, मैंने अपनी तरफ से। तो रेड की कार्रवाई की परमिशन आपसे नहीं ली गई थी? हमसे पूछ के रेड नहीं किया गया कि रेड करना है। ठीक है, वही तो हम कह रहे हैं आपसे बार बार सर। तो आपके एसएचओ ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि हमको रात को रेड करना है? दिन में सर, सबमिट से ना ये है कि जब ये घटना जब एफआईआर दर्ज हुई थी तो हमने कहा था कि ठीक है जो भी इसमें फर्दर नेसेसरी एक्शन है इसमें लीजिएगा। वेरी गुड। और इसमें मैंने ये कहा था कि आपको अगर फोर्स की जरूरत पड़ेगी, मेरा था सर कि आपको अगर फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो आप एसडीपीओ लेवल पे, क्योंकि बाढ़ में सर ग्रामीण इलाका है, टाल टाइप के एरिया में है, हमने कहा था फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो लोकल एसडीपीओ साहब या हमसे आप कह दीजिएगा, लाइन से भिजवाना होगा तो भिजवाएंगे, नहीं तो नियर बाई बीएसएफ है उनसे भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह सर हम लोग उसको इस तरह से बात हुई सर। तो फिर बात वहीं अटक गई, फिर मैं आपको क्लैरिटी के लिए बोल रहा हूँ, आपसे कोई बात नहीं हुई एसएचओ की कि साहब हम घर में रेड करेंगे रात को 1 बजे रेड करेंगे? सर इस तरह नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं, स्पेसिफिक नहीं बात हुई कितने बजे। तो इसका मतलब ये हुआ कि घर में जो रेड किया गया रात को मिडनाइट, इट वॉज विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द एसपी रूलर? रात के रेट की सर ऐसी जानकारी नहीं ली, सीधा हाँ या ना बोलिए ना। नहीं इस तरह, सो इट वाज डन विदाउट योर परमिशन? इट वाज डन, द रेट वाज कंडक्टेड इन द हाउस इन द मिडनाइट विदाउट योर परमिशन? मिडनाइट में परमिशन हमने दिए थे सर। ठीक, एसएचओ का हुआ, अपीयर किया है, फाइल कर दिया काउंटर? जी जी, हु इज अपीयरिंग फॉर द एसएचओ? And Mr. Sudhir, yes. I am appearing for the informant, Your Lordship. All right, you argue your matter. ठीक है, आपका स्टेटमेंट मैं रिकॉर्ड करूंगा। I am going to pass final order today. Yes, बोलिए। Actually, I would like to. Yeah. ये देखा जाएगा क्या? हाँ देखेंगे, उसको भी देखेंगे। We have also got the audio recording by which informant has said that SP Rural, he had said कि 30-35 आदमी का नाम डाल दीजिए। ठीक, आप भी लाए हैं। In other audio, your lordship, आप भी लाए हैं ना? जी, ठीक, बोलिए। हुजूर, इसमें हमको तो लास्ट ही वीक मिला था, हमने डॉक्यूमेंट मांगा था, लेकिन मेरा सबमिशन है हुजूर, हमने हम वारंट सर्व कराने के, एफिडेविट फाइल करना है। जी जी हुजूर, आई बोलिए ना कि हमको टाइम चाहिए। जी, थोड़ा सा टाइम, क्योंकि एक्चुअली ही इज नॉट वेल। ठीक, लाइए अब जरा सा देखें इनका। पेन, लैपटॉप ले लिखिए तब तक। मैंने उनको माफ किया है, आई विल रिकॉर्ड एवरीथिंग, बट इन फ्यूचर ही शुड बी वेरी केयरफुल। शॉर्ट अपोलॉजी, देयरफॉर आई एम नॉट प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, ही लुक्स, अभी उम्र उनकी कम लग रही है मुझे, थोड़ा और आगे इनको जिंदगी में जाना है कल लगता है, तो मैं इनको यूपीएससी और बीपीएससी को लिखने वाला था। ऐसा होगा अगर तो क्या होगा, आप समझिए कि जो जिस ऑफिसर को जो पावर एक्सरसाइज करना है वो पढ़ ही नहीं रहा है उस सेक्शन को।
इसी तरह लास्ट डे भी जो आईओ था, जो ऑफिसर इंचार्ज था, ही मिसलेड अस ऑन द अरेस्ट मेमो पे. इवन ही मिसलेड एट दैट टाइम द रूरल एसपी, द इंचार्ज रूरल एसपी. वो बार बार कह रहे थे कि नहीं है तुम्हारे पास, बोला था नहीं है. तो आप समझिए ना क्या स्थिति हो गई. दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द लॉ, क्योंकि वो कहीं से दिखाने में नहीं था कि दैट वाज सेंट टू द कोर्ट. उसमें हमारे पास रिपोर्ट है ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. जी, इसलिए वहां पर तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का रिपोर्ट है हमारे पास. ये लोग कानून को समझ ही नहीं रहे, पढ़ते ही नहीं है कानून, कभी देखते ही नहीं जजमेंट्स को. व्हाट्स योर नेम मिस्टर एसपी? सर विनीत कुमार सर. व्हेन डिड यू जॉइन देयर? सर 17 बैच सर, 17 बैच. कब वहां कब जॉइन किया? 17 जुलाई 2021 सर. 17 जुलाई 21 सर. रूरल एसपी? हां जी सर. आप इसी तरह लोगों पर समन करवाते रहते हैं? 107 कराते हैं, इलेक्शन आ गया तो. मेरे कार्यालय से नहीं जाता है सर, मेरे पास कोई कॉपी भी नहीं आती है. थाना और एसडीएम साहब के बीच में होता है, वहाँ पे सीआई साहब एसडीपीओ साहब उसको फॉरवर्ड करते हैं सर. मेरी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है 107 को लेके सर. मेरे यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट कीपिंग भी नहीं है इसकी सर. टोटली बिटवीन एसडीएम साहब के कोर्ट से थाना प्रभारी और दो जो ऑफिसर हैं सर, सर्कल इंस्पेक्टर और एसडीपीओ, वे उसको अपना फॉरवर्ड करते हैं सर. देखा भी जाएगा 107 के प्रपोजल को सर, तो इन्हीं के सिग्नेचर. और पर्सनली सर हमें पार्टी बनाए इसका, मेरा पर्सनली सर इसमें जो है किसी भी 107 को इनिशिएट करवाने में ऐसा सर मेरी कहीं कोई भूमिका इसमें नहीं है सर. ठीक, लिखिए. इन टुडेज हियरिंग द एसडीएम बार नेमली मिस्टर, नाम सर कुंदन कुमार सर, मिस्टर कुंदन कुमार and the superintendent of police Mr. Vinit Kumar have made their appearance. Full stop. Learned counsel for the petitioner, comma, the informant and the private respondent number so and so 8 as also Mr. Deepak Kumar, learned AC 2 GP4 are present. Full stop. Next, this court firstly interacted with the SDM bar and called upon him to so as to on what basis 107 CRPC proceeding was initiated. Full stop. The SDM submitted that he initiated it on the basis of a police report. Full stop. On perusal of the records, he admits that the police report simply mentions some names showing his apprehension that during the election time they may create disturbances. Full stop. With the report, comma, however, there is no material in form of any antecedent of those persons or complaints, if any, pending against them in the police station. To even prima facie satisfy the SDM that a proceeding under section 107 CRPC is required to be initiated against them. Full stop. Having perused the records of the 107 CRPC proceeding, the SDM admits that the police report does not contain any information with regard to the conduct of those persons against whom the proceeding was recommended. Full stop. Then, comma, this court called upon the SDM to so as to how he formed his opinion so as to proceed against